A30S को हमने कायमी रिपेयर कैसे करना है? पहले पहले हमने चैमरा टूल खोलना है और सेट को डिवेलपर ऑप्शन में लगाना है और यूएसबी डबैगिंग को ऑन कर लेना है और यूएसबी को भी ऑन कर लेना है और फॉलो द स्क्रीन स्क्रीन पर अलाउ करना है। यहाँ रिपेयर पे क्लिक करना है और यहाँ रिपेयर पे क्लिक करना है और मोबाइल मेरा फोन यहाँ हमने इसका आईएमई को तब्दील करना है। फिर हमने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखें कि वो कहता है कि रूट के बगैर, हमने अभी तक सेट को रूट नहीं किया, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। सेट रूट करने से पहले हमने इसका आईएमई को रिपेयर कर लेना है। इसके बाद सेट को रूट करना है और पैच सर्टिफिकेट को क्लिक करना है। सेट पे जो ऑप्शन दे रहा है उसको गौर से पढ़ें कि इनेबल डायलॉग पोर्ट को हमने अनेबल करना है। तो आपने सिंपल डायल पैड में जाना है और *0808*#0808# को मिलाना है और यहाँ आपने ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है DM ACM और इसको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये ड्राइवर उठा लेगा। जैसे ये ड्राइवर उठा ले तो आपने यहाँ से भी कैमरा के सेटअप से भी ओके कर देना है। बहुत ही साद सिंपल है सैमसंग गैलेक्सी के किसी भी डिवाइस का आईएमई को रिपेयर करना, अननोन बेस बैंड को रिपेयर करना, नेटवर्क रिपेयर करना, एनजी स्टेटस को रिमूव करना। आपने सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ सेट को कनेक्ट रहने देना है। पीसी के साथ यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस वो लेगा 1 से 2 मिनट और आपका आईएमई दोबारा से राइट हो जाएगा। देखिए इसका आईएमई रिपेयर हो गया है। सिंपल आपने आईएमई रिपेयर करना है, सेट रिबूट हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे आपको वीडियो की तमाम डिवाइसों की और तमाम वीडियो और मोबाइल के सोल्यूशन की हर वीडियो मिल जाएगी। यहाँ से मोबाइल रिपेयरिंग आप इजीली सीख सकते हैं। अब हमने इस सेट को रूट करना है। रूट के लिए फाइलें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए पैच मजेस्टिक पैच फाइल मैंने पहले से बनाई हुई है। सेट को डाउनलोड बूट पर लेके ये मजेस्टिक फाइल को यहाँ AP पे सेलेक्ट करना है और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये फेल हो गया। इसका तरीका ये है कि पहले हमने सेट को का बूट ऑर्डर अनलॉक करना है। तो मैं बूट ऑर्डर अनलॉक कैसे कर, डिवाइस को के दोनों बटन प्रेस करके वॉल्यूम अप एंड डाउन, केबल को इंसर्ट करना है और वॉल्यूम लॉन्ग प्रेस करना है ताकि डिवाइस अनलॉक हो जाए। लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप, यहाँ स्क्रीन पे लिखा आएगा जब बार ने लिखा आता है तो अनलॉक बूट लोडर प्रेस यस। ये देखिए इसका बूट लोडर अनलॉक हो गया है। जैसे आप सेट कर, अच्छा अब हमने इसे रूट करना है। मैंने रूट फाइल में जैसे से तैयार की हुई है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ये मजेस्टिक फाइल मैजिक्स मैनेजर से है, बनाई हुई है इस फर्मवेयर की। तो ये देखिए सेट रिबूट हो गया है।
प्रोजेक्ट से अलावा आपने यहाँ से ये पी रैम फाइल भी दे दी है ताकि लोगो शोगो जो आपके आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए लोगो भी ख़त्म। अब आपने सिर्फ जैसे इंस्टॉल करना है और उसको अलाउ करना है उसकी सेटिंग से, ऐसे आपका सेटर रूट हो जाएगा और आपने अगला प्रोसेस करना है। अब सेट रूट हो गया है, अब हमने सिर्फ इसको सिक्योरिटी पैच करना है। फॉलो द स्क्रीन एंड क्लिक द अलाउ। क्लिक रिपेयर पैच सर्टिफिकेट। ये रूट हो, रूट यस है। ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। तमाम फाइलें मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक रख रहा हूँ। फाइल भी यही डाउनलोड करके लगानी है और पैच वाली फाइलें बनाई हैं इस मॉडल की। इसके अलावा आपने रूट भी करना है, रूट मैजिक सी रूट से, क्योंकि ये एंड्रॉयड 11 है। और भेजवा दे रहे, लाइक कमेंट कर आ रहा है।